तो अभी हम अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम, चुका साका, हेलो एंड वेलकम, वनकम, जय भीम। मैं राहित फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ मुंबई, मेरा काम है। काम कुछ ऐसा है कि हमारा एक VI का सिम है जो बंद हो चुका है, तो मुंबई सर्कल का सिम है, मुंबई में ही मिलेगा, तो उस काम के लिए मुझे मुंबई जाना है। अभी ट्रेन है जनशताब्दी से जाऊँगा मैं। 5:35 दिखा रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। चलो एक अच्छा ब्लॉग देने की कोशिश रहेगी, मॉनसून चल रहा है, अच्छे अच्छे व्यू दिखाऊंगा मैं आप लोग, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो अभी हम अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन ये अपनी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है, 1:03 लेट है, 5:15 की ये ट्रेन है, अपने वक्त से काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो अभी मैं रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पे हूँ। D2 अपना कोच है, 79 अपनी सीट है, तो बस वही इंतज़ार में। और बहुत दिनों के बाद ऐसा ट्रेन से सफ़र करूँगा, उसको वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले मैंने पिछले साल बनाया था, मानसून में ही बनाया था, बट अब इस साल बनाऊँगा एक अच्छा ब्लॉग। आफ्ताब भाई बोले कि भाई राहित भाई हो, मैं बोला हाँ, वो बोल रहे थे कई टाइम से देख रहा था आपको, राहित भाई हो या नहीं, मैंने काफ़ी अच्छा लगा भाई, कड़वे से है भाई। ये 6:05 झालेले आहेत आणि आमच्या गावचे सरपंच मॅम सोनाली टुकरुल मॅम हे देखील आहेत ट्रेन मध्ये, आणि रोहन भाई पण आहेत, रोहन भाई यांचे हस्बंड आहेत, आणि नावचा इतने लोगों ने कोकण रेलवे से ट्रैवल किया और रत्नागिरी के बाद जो कर्पूरे से टनल लगते हैं, रत्नागिरी से मुंबई तक कितने टनल हुए कमेंट करके जरूर बताना, किस किस ने गिने जरूर बताना। आज वाली जनशताब्दी में D3 कोच देखो कैसा है, ये D3 है, और D2 कोच देखो कैसा है। ये मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी ट्रेन का कोच चेंज कर दिया इन्होंने, तो ये D2 है और ये D3 है। यहाँ पर आया ते आला नंतर माला ऐसा समझता है कि अंदर ही सिंगल रूट के लिए ट्रेन, सिंगल रूट के लिए, पहली जी जनशताब्दी होगी ना, 30 संध्याकाळी कोच पर निकल जाएगी, पर आता क्या जा रहा है मडगावला गेली आणि ही जाणारी मुंबईला जाणार, म्हणजे 2 ट्रेन झाले, अगोदर 1 ट्रेन असायची आणि स्पीड पण कमी केलेली आहे, मान्सून जेव्हा पण येते ना तेव्हा स्पीड कमी करतात। उक्षी वॉटरफॉल ये अभी हमने लिए खुदा हाफिज मूवी, तो खुदा हाफिज मूवी देखते 2 का टाइम पास करते थे, उसके बाद मिलते हैं। घेतली कॉफी, तो अभी चिपलून स्टेशन आ चुका है, टाइम हो रहा है 9:15, और आज वर्ल्ड कप फाइनल है, अपनी इंडिया पहली बैटिंग कर रही है, हम लोग वही मैच एंजॉय कर रहे हैं। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वीर, ये वीर स्टेशन आया है 9:15, और खाना आ रहा है अंडा बिरयानी, फ्राइड राइस और ठंडा पानी। तो आज फाइनल मैच है और विराट कोहली खेल रहे हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, बस इंडिया वर्ल्ड कप जीते यही एक सपना रह गया। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, कौन सा स्टेशन है, कुछ रोहा आ चुके हैं। ट्रेन में है खेकड़ा, अभी एक खेकड़ा ऊपर से नीचे आया, पब्लिक सब ढूंढ रही हो खेकड़े को।
दाखवा एकदा कस धरलेले ते दाखवा. अभी ट्रेन अपटा क्रॉस हो चुकी है और ये मालगाड़ी यहाँ से पास हो रही है, और टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम हो रहा है 10:10. सो अभी आया है पनवेल. क्या वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है. सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया ये, और हर जगह पर मैच ही चल रहा है. अब थाने आ चुका है और पूरी ट्रेन यहाँ पर खाली होने वाली है. उससे पहले किसका उतरने का दिल नहीं कर रहा है. ये भाई का आज सफर पूरा मैच में गया है. सूर्य कुमार यादव ने जा कैच लिया. क्रिकेट का भी एक अलग इमोशन है. वो 5 बॉलर 16 चाहिए. ट्रेन का माहौल है, क्या होगा. लड़कने तेज है. सूर्य कुमार यादव यू पी की 10 रन. अभी भी नहीं होगा, मुश्किल है. मैच और मैच चल रहा है. मोमेंट है ये. 2 बॉलर 9 रन. 2007 के बाद 2024 17 साल के बाद इंडियन टीम वर्ल्ड कप फाइनल साउथ अफ्रीका टीम को हराकर वर्ल्ड कप चैंपियन. भारत ने विश्व कप जीता है. भारत ने अभिमान जीता है. भारत ने स्वाभिमान जीता है. 2007 के बाद 2024 में ये वर्ल्ड कप जीता है. एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकला है, मगर ये क्रिकेट है, मेहनत करने वालों के साथ नसीब भी साथ देती है. इंडिया ने फाइनल जीता है. बार जश्न मना रहे भारत. थाने आला मोस्ट पूर्ण ट्रेन खालीच होईल मला वाटतं. एक सफर में सबसे पहचान हो जाती है. चलो दादर आ गया है. हम दादर पहुंच चुके हैं. अभी 5 मिनट 6 बजे ट्रेन आई थी रत्नागिरी में, और क्या ट्रेन आई है. हम दादर से टैक्सी से निकल चुके हैं वडाला जाने के लिए. टाइम हो रहा है 12:15, बट आज इंडिया वर्ल्ड कप जीती है. हर तरफ जश्न का माहौल चल रहा है. हर तरफ. चलो तो अभी हम वडाला पहुंच चुके हैं. फिर अगले दिन मैं निकल गया अपने सिम के तलाश में. तो आया हूं मैं अभी VI ऑफिस के बाहर. ये VI ने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि क्या ही बताओ आपको. ये नंबर ही मिल रहा नहीं है मेरे को. जो नंबर चाहिए वही नंबर चाहिए मुझे. अभी यहाँ पर काम नहीं हुआ. वो बोले कि कल्याण उल्लास नगर जाओ. फिर आया मैं कबूतर खाना दादर, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में.